अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? सबसे पहले तो सब लोगों को जुमा मुबारक। और वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ जो है, एक दफ़ा कंफर्म कर दें आज क्लियर है या नहीं। मैंने माइक्रोफोन अपना जो है वो चेंज किया है, तो आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को क्लियर आवाज़ आ रही है या नहीं। ठीक है, चले जी। फिर आज क्योंकि हमने फाइबर काफ़ी देर हो गई है, प्रोफाइल्स रिव्यू नहीं की थी, लास्ट वीक टाइम नहीं मिला, कुछ और चीज़ें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और माइग्रेशन की बात कर रहे थे लास्ट वीक, तो आज जो है वो थोड़ा सा फाइबर को देखेंगे। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो हमने ई कॉमर्स साइट्स बनाना सीखी थी या पोर्टफोलियो साइट्स बनाना सीखी हैं या अमेजोन पे अभी जो थोड़ा एक दो लेक्चर्स हमने दिए हैं, तो उसके ऊपर हमने कितना काम कर लिया है। स्टार्ट उनसे करते हैं और फिर देन हम मूव ऑन कर जाएंगे फाइबर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी जो आपने डेवलपमेंट के रिलेटेड वर्डप्रेस पे या फिर कोई भी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन की है, डेवलप की है, तो आप लोग मुझे उसका लिंक भेज सकते हैं, कमेंट्स के अंदर दिखा सकते हैं, उसको हम देखेंगे यहाँ पे कि उसके अंदर कौन सी अच्छी चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसको हम किस तरह जो है वो ठीक जो है वो कर सकते हैं। तो आई एम वेटिंग। जो यहाँ पे आप लोगों को पता है फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा हो जाता है आप लोगों के दरमियान में, और बहुत सारे लोगों को फिर एतराज़ होता है कि मेरा फाइबर प्रोफाइल चेक नहीं हुआ। तो गुजारिश यही है कि पहले आओ और पहले पाओ वाला जो है वो सिस्टम यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो पहले कमेंट कर देता है उसकी चीज़ें, उसकी वेबसाइट्स या उसका फाइबर प्रोफाइल। अभी फाइबर प्रोफाइल आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, अभी आप लोग अपना काम दिखाएंगे जो आपने किया है, फिर उसके बाद हम जो है वो फाइबर प्रोफाइल की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले काम देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ले जी, अयूब अली हैं और arsofttech.net ये इनकी डोमेन है, arsofttech.net। देखते हैं जी क्या काम किया इन्होंने इसके ऊपर। ठीक है, सेफ्स का जो है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेरी गुड, मेन पेज के ऊपर काम किया है, आइकन्स लगाए हैं, आइकन्स facebook.com पे जा रहे हैं, लेकिन ये वो वाले आइकन्स नहीं है अभी अयूब जो आपने लगा दिए हैं। असल में सब्सक्राइब के ऊपर जो ये आइकन्स लगे हुए हैं ना, अगर मैं बताऊँ सब्सक्राइब.com या फिर डेपर पे अगर कहीं नजर आ रहे हो आपको, तो ये वो आइकन्स क्या करते हैं कि ये तो आप facebook.com का अभी फिलहाल लिंक दिया है ना, ये भी अच्छी चले बात है कि आपने काम कर लिया, लेकिन ये है कि मोनार्क का एक प्लगइन है, क्या नाम है उसका, मोनार्क। और वो मोनार्क का प्लगइन क्या करता है कि आप अपने कंटेंट को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करना चाहते हो, जब जो यूजर आता है वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी पोस्ट को शेयर करना चाहता है लोगों के साथ, तो सिंपली वो उस आइकन के ऊपर क्लिक करके उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता है। ठीक है, अगर मैं किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ इसकी, तो ये देखें जी, ये फेसबुक के ऊपर शेयर करने के लिए लिंक है, ये पिंटरेस्ट पे, ये लिंक्डइन पे। ठीक है, तो जिस प्लेटफॉर्म पे भी वो शेयर करना चाहता है इसको, तो देखें उसकी एक पोस्ट जो है वो बनी बनाई मिल जाएगी कि किसको वो पिन करना चाहता है, वो उसके ऊपर क्लिक करेगा उसको पिन कर देगा। तो यहाँ पे उसकी पिक्चर जो है वो एक पिंटरेस्ट लॉग इन करना पड़ेगा, अभी तो हमारे पास लॉग इन नहीं है ये पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सेम लाइक फेसबुक, ट्विटर, इन चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इसको आप सिंपली लॉग इन करेंगे तो आप लोग इसी पोस्ट को देन शेयर भी कर सकते हैं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया गया। फिर उसके बाद लेटेस्ट रिव्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेरी गुड, यहाँ पे एक स्पेसर इन्होंने दिया है और निचला सेक्शन भी रेडी कर लिया, बेहतरीन जी, क्लैपिंग करें यूब के लिए, अच्छा काम करके आए हैं। दो सेक्शन इन्होंने माशाल्लाह से प्रिपेयर कर ली है, रेडी कर ली है,
अब अगला जो है आप लोगों का जो काम है वो ये है कि आपने पोस्ट जो करनी है उसका कंटेंट सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा, और जब कंटेंट आ भी जाता है तो उसके बाद आपने उस कंटेंट की जो डिजाइनिंग है वो कैसे करनी है, कि आपकी जो पोस्ट की लुक है वो कैसी नजर आनी चाहिए। होम पेज के ऊपर तो लोग कम ही आएंगे, अक्सर लोग आते हैं आपकी पोस्ट वाले पेज के ऊपर, क्योंकि गूगल के अंदर आपका पोस्ट वाला लिंक जो है वो रैंक कर रहा होता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी, बेस्ट जार ओपनर के अंदर आपका जो है डेपर डॉट रिव्यूज का मेन यूआरएल जो है वो नहीं कर रहा। अरे वाह, उस इजी विट को भी पीछे छोड़ दिया अब इसने, और डेपर डॉट रिव्यूज देखे। अब जब मैं आप लोगों को इस तरह की एग्जाम्पल देता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि बैकएंड के ऊपर ना काम हो रहा है और लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। टॉप 10 बेस्ट जार ओपनर रिव्यूज, और इसका जो लिंक जो है जो रैंक हो रहा है वो जार ओपनर वाला जो पोस्ट है उसका लिंक रैंक हो रहा है। इसके ऊपर जब लोग क्लिक करेंगे तो जार ओपनर वाली पोस्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, मैं छोटी सी एक ना आप लोगों को एग्जांपल देता होता हूँ मोटिवेशन के लिए, काम करने के लिए। ये सेफस्काई वाला जो प्रोजेक्ट है, ये आई थिंक सो 1 साल 2 महीने इसको हो चुके हैं, और पिछले 14 महीनों से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और एक पूरी टीम है राइटर्स की, और फिर उसके बाद डिजाइनर्स हैं जो फीचर इमेजेस डिजाइन करते हैं, इसके अंदर जो पिक्चर्स लगती हैं वो डिजाइन करते हैं। एक आर्टिकल को कंप्लीट करने में कितनी मेहनत लगती है वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, कि एक आर्टिकल जब आप पोस्ट करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 प्रोडक्ट्स हैं, 20 बेस्ट कारपेट क्लीनर, नहीं, इस आर्टिकल को मैंने खोल लिया, अच्छा इस आर्टिकल को जब मैंने खोला तो देखें इसके अंदर जो काम हुआ हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये एक टाइटल है, उस टाइटल की कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग है कि उसका कलर ये होना चाहिए, उसका साइज ये होना चाहिए, उसकी फॉन्ट फैमिली ये होनी चाहिए, उसका जो है फॉन्ट वेट ये होना चाहिए, उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये होना चाहिए, सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज लगी हुई है, और उसका एरिया इतना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से साइड बार स्टार्ट हो जाए, सेबस्क्राइब है, सेबस्क्राइब कैटेगरीज की जो हेडिंग है, फिर उसके बाद यहाँ पे पिक्चर है, और हर एक पिक्चर के ऊपर उस कैटेगरी का लिंक लगाया। अगर ऑटोमोटिव वाली कैटेगरी पे जाना है तो इधर क्लिक कर दें, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाना है इधर क्लिक कर दें, आउटडोर्स पे जाना है, स्पोर्ट्स पे जाना है, फिर उसके बाद जब नीचे आते हैं तो ये आपका टेक्स्ट आ जाता है, फिर उसके बाद टेक्स्ट के बाद ये आपका टेबल आ जाता है जिसके अंदर उसका उस प्रोडक्ट का जो है वो टाइटल है, फिर उसके बाद उसकी पिक्चर है, और चेक प्राइस का बटन है जो कि उसको नेविगेट करवाता है अमेजोन के ऊपर। इसका मतलब ये है कि इस हर एक चेक प्राइस के बटन के बैकएंड के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट का लिंक लगा हुआ है, ठीक है, और ये हर एक चेक प्राइस का बटन अलग प्रोडक्ट के लिंक के ऊपर, अमेजोन के लिंक के ऊपर नेविगेट करवाता है। फिर उस हर एक प्रोडक्ट का आगे एक रिव्यू लिखा गया है, ठीक है, इसके बारे में एक दो पैराग्राफ्स हैं, उसकी एक पिक्चर है, वहां पर अगेन चेक प्राइस का बटन है ताकि लोगों को फिर दोबारा से ऊपर जाके वो प्रोडक्ट टेबल में ना ढूंढनी पड़े, यहीं से बाय कर लें अगर पसंद आती है रिव्यू पढ़ के, ठीक है। और दिस गोज विद 20 प्रोडक्ट्स, 20 की 20 प्रोडक्ट्स को सेम इसी तरह मैनेज किया गया है कि उनकी पिक्चर है, चेक प्राइस का बटन है, उनका रिव्यू है, उसकी हेडिंग है, तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में पहले एक रिव्यू लिखा गया है। 20 प्रोडक्ट इसके एक आर्टिकल के अंदर मौजूद है, कम से कम 10 प्रोडक्ट्स हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 प्रोडक्ट्स हैं, और ये एक पोस्ट बनती है। और अगर आपको मैं टोटल पोस्ट दिखाऊं इसके ऊपर जो हो चुकी हैं, वो ऑल पोस्ट में जाता हूं मैं, और ये ऑल पोस्ट कितनी है आप लोगों के सामने है, 200 पोस्ट इसके ऊपर हो चुकी हैं, और सारी की सारी पोस्ट आप लोग देखेंगे तो देखें जी, 12 बेस्ट विंडो फैंस, 10 बेस्ट फ्लोर फैंस, 10 बेस्ट स्पाइडर किलर्स, 10 बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स, 10 बेस्ट ऑस्किलेटिंग फैंस, स्विंग मशीन्स, ठीक है, हेज ट्रिमर्स। तो ये सारे का सारा काम जो है ये मेहनत मांगता है, टाइम मांगता है, ठीक है, और इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा, हम लोग कहते हैं जी हमने फाइवर पे एक प्रोफाइल बना ली है तो अब तो हम लाखों पति हो जाएंगे, करोड़ों पति हो जाएंगे, आप तो घर बैठे बिठाए हमें जो है वो काम मिलना शुरू हो जाएगा। बेटा ऐसे नहीं होता, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद हमें उसका कोई ना कोई हमें एक्सपेक्टेशन उससे रखनी चाहिए। जब तक हम मेहनत नहीं करते तब तक हम लोग कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हमें इसमें से कुछ बेटर मिल सकता है, ठीक है। तो
अमेजोन एफिलिएट मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया था कि ये आप लोग अगर खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई मैक्रोनिश प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बेटा फिर आपको कोशिश करनी है कि किसी टीम को आप अपने साथ मिलाएं, या तो किसी खुद टीम के अंदर इंडल्ग हो जाएं आप लोग, या फिर खुद अपनी टीम जो है वो बनाएंगे, तो फिर आप ज्यादा बेटर जो है वो काम कर सकते हैं, एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, कम टाइम के अंदर ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले लगे रहेंगे तो फिर उसके लिए थोड़ा सा काम आपके लिए लेंथी और लंबा हो जाएगा, और चीजें जो है वो फिर मैनेज नहीं होगी आपसे। ठीक है, तो काम को मैनेज करना सीखें, अपने काम को डिवाइड करें और उस टीम को काम असाइन करें और फिर उसे काम लें। एक टीम से जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमने देन अमेजोन एफिलिएट ही करवाना है। जब आप एक टीम बना लेते हो ना, तो फिर उस टीम बनाने के फायदे देखो, मैं आप लोगों को गिनवाता हूँ जरा कि फायदे क्या है। एक मैंने टीम बना ली, उस टीम के अंदर लेट सपोज मैंने सबसे पहले तो राइटर्स रखे, राइटर्स 2 अदद, ठीक है, फिर उसके बाद डिजाइनर 1 अदद, बहुत है, अभी मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूं, डेवलपर आप खुद, ठीक है, डेवलपर 1 अदद, अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया आपका एसईओ एक्सपर्ट, वो आपको चाहिए 3 अदद, एक बंदा स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, ठीक है, या फिर खुद से करके दिखाने के लिए, और 2 उसके इंटर्न्स हो सकते हैं, या फिर जो लोग सीख रहे हैं अभी एसईओ करना, आप उनको मुख्तलिफ किस्म के टास्क साइन कर सकते हैं। ले जी, इतनी सी टीम है, ये इतनी सी टीम अगर आप लोग मैनेज कर लेते हैं ना, 3 और 1 4 5 6 7, 7 लोगों की टीम अगर आप मैनेज कर सकते हैं, तो मैं अब यहाँ पे वो चीजें लिखने लगा हूं जो आप उस टीम से जो जो काम ले सकते हो एट द सेम टाइम, एक टाइम के अंदर आप कितने काम उस टीम से ले सकते हो। मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाई थी qteam.com के नाम से, अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है ना अमेजोन और अमेजोन एफिलिएट, हालांकि इसके अंदर स्कोप ज्यादा है, पैसे ज्यादा है अमेजोन में, लेकिन थोड़ा सा सबर है, पहले पहले 5 6 महीने का सबर है और फिर उसके बाद पैसे, तो आप कोड्स की एक वेबसाइट शुरू कर सकते हैं, कोड्स एंड विशेस, ठीक है, कोर्स एंड विशेस की वेबसाइट स्टार्ट करने का फायदा क्या है, और उसके अंदर आपको कैसे कैसे चीजें जो है वो मिलेंगी। जैसे मैं अगर कोर्स की बात करता हूँ, ये है जी कोर्स फॉर वुमेन, लव कोर्स, कोर्स अबाउट लव, नेगेटिव कोर्स, ठीक है, कोर्स अबाउट माइंड, कोर्स अबाउट हेवन, कोर्स अबाउट ड्रीम। अच्छा, अब इस हर एक पोस्ट का कोई ना कोई स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम है, और लोग ईद उल अजहा की कोर्स सर्च करते हैं, कोर्स अबाउट बॉयज सर्च की जाती है गूगल पे, कोर्स अबाउट मेंटल हेल्थ सर्च की जाती है, हम ताकि अपने लव्ड वंस को जो है वो भेज सके उन कोर्स को, या फिर सो जो भी हमारा जो है वो साइट के ऊपर आने का मकसद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोर्स का कंटेंट कहाँ से आएगा, तो सबसे आसान कंटेंट क्रिएशन कोर्स और विशेष की होती है, क्यों, क्योंकि इब्राहिम लंकन ने कोई कोट बोली, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का कोई कॉल है, तो वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का जो कॉल है वो सबके लिए है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। कायदे आजम आके क्लेम नहीं कर सकते हमें कि भाई साहब ये तो मैंने कहा था, ये तुमने अपनी वेबसाइट पे किस हक से छाप दिया है, मैं तो तुमसे पैसे लूंगा, मैं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा कि तुमने ये क्यों छाप दिया मेरा। हालांकि हमने क्रेडिट देना है साहब, आप लोग कोई भी पोस्ट यहाँ पे देख लें, जैसे ईद उल अजहा की पोस्ट देख लें, या फिर आप इब्राहिम लंकन की पोस्ट देख लें, यहाँ पे एक सर्च कर सकते हैं आप लोग, बुद्धा कोर्ट्स के नाम से शायद कोई कोर्ट्स आप लोगों को मिल जाए, ये देखें बुद्धा कोर्ट्स ऑन पीस, तो महात्मा बुद्धा जो थे उनकी जो कोर्ट्स थी, हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि ये उनकी उनका कॉल है और ये उन्होंने बोला है, ठीक है। तो मतलब ये है कि कोर्ट्स और विशेस किसी की मिरास नहीं है, किसी की मिराज नहीं है, ये हमारी, आप कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने वो अल्फाज बोले, हमने उन्हीं अल्फाज को कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के ऊपर छाप देना है, कुछ इंट्रो और कुछ आउट्रो, लाइक 2 से 3 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, 4 पैराग्राफ्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो हमने खुद से लिखने हैं। इसके अलावा पूरे का पूरा आर्टिकल आप सेम डिटो कॉपी छाप सकते हो, इमेजेस आपने खुद बनानी है, और एक ब्लॉग वेबसाइट बना के देखे ना, ये एक जैसे ये कोट है जी, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कंसेंट्रेट द माइंड ऑन प्रेजेंट मोमेंट, ठीक
ठीक है, ये बुद्धा ने कहा था। और हमने क्या किया, एक अच्छी सी पिक्चर के ऊपर बुद्धा की एक वो पिक्चर लगाई, बैकएंड के ऊपर एक दरख्त है, सूरज गुरूब हो रहा है या तुलू हो रहा है, उसके ऊपर हमने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे यू योर सेल्फ एज मच एज एनी बॉडी इन द एंटायर यूनिवर्स डिजर्व योर लव एंड अफेक्शन। तो उसको हमने कुछ डिजाइन करके लोगों की अट्रैक्शन के लिए यहाँ लिखा, और एक कोर्ट्स वाली वेबसाइट बना के उसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर दिए। तो उसके जरिए हम एडसेंस के ऊपर काम कर सकते हैं, और एडसेंस के जरिए हम पैसे कमा सकते हैं। और ये सारी की सारी ट्रैफिक आमतौर पे कोर्ट्स की जो है वो प्रीमियम ट्रैफिक होती है, और विशेष की भी, जैसे किसी का बर्थडे है तो आपने क्या करना है, आपको अल्फाज नहीं मिल रहे अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करने के लिए, आप गूगल पे जाते हो, ठीक है, बर्थडे विश फॉर योर फ्रेंड, ठीक है, बर्थडे विश फॉर योर मदर, बर्थडे विश फॉर योर फादर, ठीक है। तो वो बहुत सारी वेबसाइट्स उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही होती हैं, और जैसे ही लोग उस वेबसाइट उस गूगल के ऊपर किसी वेबसाइट को सिलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, तो वहां से वो बर्थडे विश को कॉपी करके लोगों को सेंड कर सकते हैं। तो ये उनका उनको हमने आसानी पैदा कर दी कि उनको हमने बनी बनाई कोट्स, बनी बनाई विशेस जो है वो दे दी, ताकि वो अपने लव्ड वंस को विश कर सके। तो मतलब ये है कि आपने सिंपली क्या करना है, कोट्स एंड विशेस का एक प्रोजेक्ट, एक या 10 प्रोजेक्ट्स भी आप एट वन टाइम स्टार्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सर एडसेंस की एड लगाना कब सिखाएंगे? एडसेंस की एड लगाना कोई मसला नहीं है बेटा, आपने सिंपल adsense.com के ऊपर जाके साइन अप करना है, और उसके अंदर आपने पहले अपनी वेबसाइट को अप्रूव करना है। जब आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी, फिर उसके बाद एडसेंस के एड लगेंगे, ठीक है। जब आप एडसेंस अप्रूव कर देगा कि हाँ अब आपकी वेबसाइट का कॉन्टेंट इस काबिल हो गया है कि मैं आपको एड्स दिखाना शुरू कर दूं, तो फिर वो कोई मसला नहीं रहता, ठीक है। अच्छा जी, कोर्ट्स एंड विशेस की बात हो गई, ये आप एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके स्टार्ट कर सकते हैं, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ। फिर उसके बाद क्रैक्स, अभी चलें क्रैक्स की तरफ, आपको मैं बता देता हूँ उसका नो हाउ, लेकिन अगर किसी का दिल करे तो आप लोग जा सकते हैं। अच्छा जी, क्रैक्स की वेबसाइट क्या होती है, हम एक वेबसाइट बनाते हैं जिसके ऊपर हम यूजर्स को कुछ सॉफ्टवेयर के क्रैक्स देना शुरू करते हैं। जैसे मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, फोटोशॉप हो सकता है, इलस्ट्रेटर हो सकता है, या फिर दुनिया जहान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनके लोगों को क्रैक्स चाहिए होते हैं। तो आप उनकी एक साइट बना सकते हैं, उसके ऊपर कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, और वो कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो एनी वीडियो कन्वर्टर, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, और उस कीवर्ड के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो रैंक कर रही हैं। फाइल हिपो है, डाउनलोड डॉट नेट है, ठीक है, आप इन्हीं का लिंक जो है बैकएंड के ऊपर यूज कर सकते हो और यहाँ पे बेच सकते हो। मैंने कोई वेबसाइट्स अगर मेरी चल रही है, जो आप लोगों को क्रैक्स किंग दिखाई है वो क्रैक्स के लिए ही बनाई थी, इसके अलावा भी कुछ और वेबसाइट्स हैं, अगर उनके ऊपर कोई कॉन्टेंट हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ डोमेन्स एक्सपायर हो गई हैं क्रैक्स की, क्योंकि मैंने क्रैक्स वाले सेक्शन पे काफी देर से काम नहीं किया। हाँ, ये एक्सपायर हो गई है। और क्या था, क्रैक्स बॉय भी चेक कर लेते हैं। असल में मैं इसको छोड़ चुका हूँ, ये वाली फील्ड जो है क्रैक्स वाली, मैं सिंपल आप लोगों को बता देता हूँ अगर आपने करना है इसके ऊपर, तो आप लोग क्रैक्स को लेके चल सकते हैं। एक वेबसाइट क्रैकिफाई डॉट नेट के नाम से भी थी, जी ये चल रही है। तो ये देखें जरा, एविड मीडिया कंपोजर, जीरो एजम्पशन रिकवरी, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कैटेगरीज भी क्रिएट की गई हैं क्रैक्स की, अकाउंट्स एक्टिवेटर चाहिए, अगर एंटीवायरस चाहिए आपको, बहुत सारे लोगों को अपनी वेबसाइट के लिए एंटीवायरस चाहिए, सॉरी लैपटॉप के लिए या कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस चाहिए होता है। ये डेवलपर के टूल्स हैं, डाउनलोड मैनेजर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सॉफ्टवेयर हैं। तो आप लोग यहाँ से, जैसे सिक्योरिटी का कोई सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, तो सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिक्योरिटी के सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। हिटमैन है, सी क्लीनर है, सी क्लीनर आमतौर पर आप लोग भी शायद यूज करते हो, तो सी क्लीनर प्रो जो है वो यहाँ पे लिखा गया है, उसका पूरा पूरे का पूरा आर्टिकल है, उसकी पिक्चर्स हैं, उसके फीचर्स हैं, ठीक है, और उसके इंस्टॉलेशन के मेथड्स भी हैं साथ, पिक्चर्स के थ्रू जो है वो बताया गया, और ये इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शंस है।
क्रैक ऑनली लिंक या फिर लिंक फॉर सेटअप जो भी चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देखें लोग वो कमेंट भी कर रहे हैं, थैंक्स फॉर शेयरिंग, आई वुड टू ट्राई इट। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप लोगों का ये जो मार्केट है ये भी बहुत अच्छी मार्केट है और इसके अंदर भी आप लोग जैसे ड्राइवर के अपडेटर्स हैं, ड्राइवर्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, ब्राउजर्स चाहिए होते हैं, तो आप लोग इस तरह भी काम कर सकते हैं, इस तरह भी लोगों को लेके चल सकते हैं। गूगल क्रोम चाहिए, ओपेरा ब्राउजर चाहिए, तो इस तरह की बस देखा ये करेंगे कौन सी ऐसी चीजें हैं। ये एंटीवायरस है, अगर किसी को एंटीवायरस चाहिए तो एंटीवायरस के ऊपर जाके वो देख लेता है उसको। ठीक है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, लोग तो खरीदने आते हैं, लोगों को खरीदने की बजाय अगर वही पेड सॉफ्टवेयर आप लोग उनको क्रैक्स में दे दोगे और फ्री में उनको वो चीजें मिल जाएंगी तो वो आपसे जरूर बाय करेंगे और उनको जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर वो बार बार आएंगे और लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। जैसे अब मैं मतलब कोई किसी वेबसाइट से मैंने सॉफ्टवेयर फलां सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, अगर किसी और मेरे दोस्त को भी मसला आ रहा है मैं उसको रिप्लाई मैसेज करता हूँ कि यार ये क्रैकिफाई.net एक वेबसाइट है उसके ऊपर जाके तुम लोग कर सकते हो और उसके ऊपर जाके तुम लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक मार्केट है जिसके अंदर आप लोग काम कर सकते हैं, जिसको मैंने क्रैक्स बोला, और क्रैक्स वेबसाइट आप लोग खुद बना सकते हैं। सेम आप लोग क्रैकिफाई को ही अगर कॉपी करना शुरू करते हो ना, इसी के आर्टिकल को उठाओ थोड़ा सा रीराइट करो और अपनी वेबसाइट के ऊपर सेम इसी तरह बटन्स लगा दो, यही पिक्चर्स लगा दो, बेशक कोई मसला नहीं है, मुझे काम करने वाले बनो, और यहीं से इसके जो लिंक है बटन्स के पीछे लगा दो, डाउनलोड लिंक, इसका मिरर लिंक होता है कि अगर डाउनलोड लिंक नहीं चल रहा तो ये मिरर वाला लिंक चल रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इससे भी पैसे कमा सकते हो। ये क्रैक्स भी किसी की मिरास नहीं होते और जैसे कोर्स किसी की मिरास नहीं होती, तो आप लोग इनको भी लोगों को जो है वो दिखा के उनको उनके ऊपर एड्स जो है वो लगा सकते हो अपनी साइट के ऊपर। सर इसके लिए हम राइटर हायर करेंगे, देखें हायर करने से अच्छा ये है कि आप उनको अपना वेबसाइट के अंदर कुछ शेयर दे दें कि हम स्टार्ट करते हैं कोई प्रोजेक्ट, जब पैसे आएंगे तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे उसकी जो भी परसेंटेज आप उसके साथ डिफाइन करना चाहते हैं। क्योंकि आई नो कि अभी स्टार्ट में आप हायरिंग की कैपेबिलिटी शायद ना हो कि आप राइटर को जो है जी लेट सपोज 15-20 हजार मंथली के ऊपर रखते हैं या 25 हजार मंथली के ऊपर रखते हैं या कि उसको वर्ड्स के हिसाब से पैसे देते हैं, तो शायद आप लोग अभी अफोर्ड ना कर पाए। लेकिन अगर आप कुछ राइटर्स, कुछ डिजाइनर्स और कुछ सोशल मीडिया मार्केटर्स को साथ मिलाते हैं अपनी टीम के अंदर, तो आप लोग कोई बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली कर सकते हो। ठीक है, जिशान, आई थिंक सो अब आपको ये मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, ये आपको सारे के सारे लिंक भी यहाँ से मिल जाएंगे और इन्हीं लिंक्स को आप अपनी साइट के ऊपर यूज कर सकते हो। हाँ, इस कंटेंट को थोड़ा सा रीराइट आपको करना पड़ेगा और इन चीजों को आपको अपनी जुबान में जो है वो लिखना पड़ेगा। किसी ने इतनी मेहनत से एडोब का सॉफ्टवेयर बनाया और हम उसे क्रैक कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड। हाँ जी बिल्कुल, इट्स वेरी बैड, हमने तो पैसे कमाने हैं। ठीक है, क्रैक्स की वेबसाइट हो गई। क्रैक्स की वेबसाइट के बाद आप लोग फाइवर को मैनेज कर सकते हो। फाइवर को कैसे मैनेज करना है, इसको मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि उसी टीम को, ये यही जो टीम है ये वाली, इसी टीम से आप लोग एक ही टाइम पे आपकी एक कोर्स की वेबसाइट चल रही है, क्रैक्स की वेबसाइट चल रही है, एक फाइवर का अकाउंट चल रहा है। एक फाइवर के अकाउंट का मतलब ये, एक बंदा जिसकी जरा अंग्रेजी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसको हम लगा देते हैं बिडिंग करने पे फाइवर पे या फिर फ्रीलांसर पे या फिर पीपल पर आर पे। ठीक है, मैं फ्रीलांसर भी इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ और इसके बाद पीपल पर आर भी इसी में ऐड कर, पीपीएच लिख देते हैं उसको। ठीक है, अपवर्क भी हो सकता है। यार अपवर्क का आप लोगों ने याद नहीं करवाया, मैं आप लोगों को एक वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो को देख के आप लोग अपवर्क के जो अकाउंट्स हैं उनको अप्रूव करवा सकते हैं और अपवर्क के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, पीपल पर आर हो गया। तो एक बंदा है अब जिसके हाथ में सारी की सारी उसको अकाउंट की कम्युनिकेशन है और उस बंदे को पता है कि बैकएंड के ऊपर मेरे पास राइटर्स भी मौजूद हैं और राइटिंग का इतना ज्यादा काम है आप लोग सोच नहीं सकते। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिकल, आर्टिकल और राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके जो है सर्च के अंदर 32,436 सर्विसेज जो हैं वो हैं मौजूद हैं जो लोग दे रहे हैं,
और 439 ऑर्डर टॉप रैंक जो गिग है उसने कंप्लीट किए हैं, 89 है यहाँ पे, फिर 349 है, 164 है। तो मतलब ये है कि इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर अगर आपकी गिग रैंक होगी तो आपको फिर पैसा ही पैसा, फिर आप खत्म होगा ही नहीं पैसा, आप जितनी मर्जी टीम को भी एक्सपेंड करते जाओ। अब आपको पता है मेरे पास राइटर्स भी हैं, मैं उनसे राइट भी करवा सकता हूँ, मैं उनसे डिजाइनर भी है, मैं उनको लोगो डिजाइन की सर्विसेज भी दे सकता हूँ, मेरे पास डेवलपर है, मैं एक गिग अपनी डेवलपमेंट की लगा सकता हूँ, मेरे पास एसईओ के एक्सपर्ट है तो मैं एसईओ की गिग एक लगा सकता हूँ, ऑन पेज एसईओ की लगा सकता हूँ, ऑफ पेज एसईओ की लगा सकता हूँ। तो वंस यू हैव अ टीम तो आपके पास देखो फिर कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, जितनी ज्यादा डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आपकी गिग्स होंगी उतनी ज्यादा बड़ी मार्केट आपको मिलेगी और उतना ज्यादा बड़ा ऑडियंस का पोल एक आप लोगों को मिलेगा, और उसको आप अपनी गिग्स दिखा के, अपनी सर्विसेज दिखा के आप उसको जो है वो कन्विंस कर सकते हो कि आपने जो है वो मेरे से आप फला फला जो है वो चीजें ले सकते हैं। ठीक है, ये सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं और मेरे पास एक टीम है जिसके अंदर हम हमारे पास डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, राइटर्स हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं। तो उसकी बेस पे फिर आप लोग क्विक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, इससे क्विक रेवेन्यू जनरेशन आप लोग फाइवर से कर सकते हो। अगर दरमियान में से एक दो बंदे मोटिवेशन उनकी डाउन होती है कि यार पैसे नहीं आ रहे, तो आप फाइवर का प्रोफाइल चलाओ और फाइवर से जैसे जैसे आप ऑर्डर कंप्लीट करते जाओगे आपको पैसे आते जाएंगे। ये तो इसका रिस्पॉन्स तो क्विक है ना, इसमें कोई देरी नहीं है कि जी साइट रैंक होगी तो फिर पैसे आएंगे, तो फाइवर पे तो क्विक क्विक है सारा कुछ। सर जी, कोई रीराइट और कोई स्पिनिंग टूल है आर्टिकल रीराइट करने के लिए? टूल्स बहुत सारे हैं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को, spinbot.com के नाम से आप लोगों को एक साइट मिल जाएगी जो आपके आर्टिकल को रीराइट कर देती है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता, मैं फिर बता रहा हूं मैं रिकमेंड नहीं करता। हाँ आपने करना है तो कर सकते हैं, एंटर टेक्स्ट टू रीराइट, आप यहाँ पे कोई भी आर्टिकल लिखेंगे देंगे उसको और यहाँ से आप लोग इसको चेक करेंगे, गो करेंगे तो यहाँ पे उसको रिटर्न टेक्स्ट आप लोगों को दे देगा और वो आपसे कहेगा कि जी ये टेक्स्ट जो है इसको मैंने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, इसके सेंटेंसेस को चेंज कर दिया है, इसके जहाँ पे जहाँ जहाँ पे वर्ड्स आ रहे थे उनके मैंने सिनोनिम्स यूज किए हैं एंड सो ऑन। लेकिन वो एक सारी बात है, एक एल्गोरिदम है, एक मतलब कह लो कि पीछे AI यूज हुई है, इंसान तो नहीं है जो बैठ के रीराइट कर रहा है। तो कुछ सेकंड्स के अंदर आपको उस आर्टिकल की रिटर्न फॉर्म जो है वो मिल जाएगी, spinbot.com, दोबारा से बोल दिया। चलें जी वापस आ जाएं, फाइवर स्टार्ट कर लिया हमने उसी टीम के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसी टीम के साथ मैंने एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट करना है। उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस घर पे चल रहे होंगे, जैसे आपने ये 7 लोगों की टीम बनाई है, 7 लोगों में से किसी एक के भी अब्बा जी की दुकान नहीं है जो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो 7 में से कोई एक बंदा भी नहीं है जिसके भाई का कोई बिजनेस हो, हम उसके बिजनेस को लेके चल सकते हैं। अच्छा चले, 7 में से 7 कोई भी नहीं है, उन 7 में से कुछ 4-5 तो लड़के होंगे ना, एक दो चलो लड़कियां होंगी, वो बाहर नहीं जा सकती, लड़के तो बाहर जा सकते हैं ना, फिर उसके बाद लड़के जो है वो बाहर जा सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उनको आप लोग कन्विंस कर सकते हैं उनकी प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में। जरूरी नहीं है कि आपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट अपना ही स्टार्ट करना है, आप उनको सर्विसेज भी दे सकते हैं। आप किसी भी स्टोर वाले को जाके कहते हैं कि जरा आपने ऑनलाइन सेलिंग का कभी मजा चखा है, चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना आसान तो नहीं होता लेकिन आपको कन्विंस करना पड़ता है। आप उनको उनके कंपटीटर्स की जो है वो वेबसाइट्स दिखा सकते हैं कि देखिए आप ही की प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वैसी ही प्रोडक्ट जो है वो फेसबुक के ऊपर बिक रही है और ये बंदा इतनी सेलिंग रोजाना कर रहा है, उसका इतना प्रॉफिट रोजाना का बन रहा है। तो अगर आप भी अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन लॉन्च करेंगे तो उससे आपका रेवेन्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो जब आप उनको स्टैट्स के साथ चीजें दिखाएंगे, जब आप उनको बात करेंगे कि जी हम फेसबुक के ऊपर इतना बजट लगाएंगे, इतनी रीच आएगी, इतने ऑर्डर आएंगे, इतना प्रॉफिट होगा, इतनी सेल्स होगी, जब आप नंबर्स की बात करेंगे तो उनको लगेगा कि ये वाकई बंदा काम करके आया है और मुझे इसके ऊपर एतमाद करना चाहिए और इसको अपना प्रोजेक्ट देना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ई कॉमर्स इज नॉट कि जी आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया, एक वेबसाइट बना के देनी है 30,000, 40,000 या फिर 50,000 के अंदर। ई कॉमर्स क्या है, आप उनसे वेबसाइट की कॉस्ट तो ले ली, उसके बाद आपने ही मैनेज करना होता है उस ऑनलाइन स्टोर को। एक बाबा जी जो पिछले 50 सालों से कोई दुकान चला रहे हैं, उनको क्या पता कि फेसबुक पेज कैसे मैनेज होता है, उनको क्या पता कि वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स कैसे ऐड की जाती हैं, उनको क्या पता कि ई कॉमर्स जो साइट है उसका लेआउट कैसे बनता है। वो सारी की सारी चीजें आपने मैनेज करनी है। ठीक है, पहले तो आपने डेवलपमेंट की कॉस्ट ले ली कि साइट इतने में बनेगी, फिर उसके बाद उस साइट को चलाना भी तो है, उस साइट को आपने मैनेज भी तो करना है। तो फिर उसके बाद आप
उनसे देख लें, आपने उनके साथ सैलरी पे आना है, 15,000-20,000 सैलरी रख लें, और उनसे कहें जी आपकी मैं ऐड चलाऊंगा, आपके प्रोडक्ट्स जो ऑर्डर्स हैं उनको मैं मैनेज करूंगा, आपके क्लाइंट्स के साथ मैं कम्युनिकेशन करूंगा, और जितनी ऑनलाइन सेलिंग होगी वो हम मैनेज करेंगे बैकएंड के ऊपर। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने तकरीबन ऐसे ही कोई 8 से 9 स्टोर्स हैं जिनको वो मैनेज कर रहा है, लोगों के स्टोर्स हैं, और वो लोग उनको उसको मंथली पे करते हैं, ठीक है, 15,000-20, किसी से 20,000 ले रहा है, किसी से 25,000 ले रहा है, किसी से 30,000 ले रहा है सैलरी के तौर पे, और वो उसकी सैलरी सैलरी जो है वो मिला के तकरीबन कोई 1.5-2 लाख रुपया बन जाता है। तो मतलब ये है कि आप इस तरह भी मैनेज कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि टोटल जितनी भी सेलिंग होगी आप उसमें से शेयर भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप उसे कहते हो मैं सैलरी पे नहीं आना चाहता, मैं शेयर पे आना चाहता हूँ, तो हमने साइट आपको बना दी है, अब उसके बाद हमने शेयर लेना है आपसे मंथली, तो आप मंथली शेयर उनसे सेट कर लेंगे जी, 30% मैं लूंगा, 70% आपका है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन चीजें सारी जो है वो मैनेज कर रहा हूँ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह आप लोग किसी भी किस्म की आप उनसे डील कर सकते हैं, और बैकएंड के ऊपर इतने लोग हैं आपके पास, वो इसको मैनेज इजीली कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद आप अमेजोन की तरफ आ जाते हैं। अमेजोन एफिलिएट की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग एक टाइम पे देखो कितने अमेजोन एफिलिएट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हो, एक टाइम पे आप कितने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। चले फाइबर को आप सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहे हैं कि एक ही प्रोजेक्ट है, क्रैक्स की कितनी वेबसाइट स्टार्ट करते हो। अभी ये जब मैंने क्रैक्स के ऊपर काम करना शुरू किया था, मैंने 11 डोमेन्स ली थी क्रैक्स की, फिर उसके बाद कोड्स एंड विशेज है, एक ही टाइम पे आप कोड्स की और विशेज की कितनी साइट्स जो है वो बना सकते हो। कितना अच्छा लगेगा कि जब यहाँ पे लिखेंगे हम फनी गुड मॉर्निंग कोड्स, ठीक है, और फनी गुड मॉर्निंग कोड्स लिख के जितनी भी साइट्स पहले पेज पे रैंक कर रही होंगी वो सारी की सारी आपकी होंगी, ठीक है। ये वैसे मैंने इसकी पेज की सेटिंग्स थोड़ी सी खराब की हुई है, मैं सारे रिजल्ट एक ही पेज पे ले लेता हूँ। चलिए इसको छोड़ें, एक पेज के ऊपर 10 वेबसाइट्स जो हैं वो आती हैं आमतौर पे, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो। क्या मतलब सीन होगा अगर आपके इस फनी गुड मॉर्निंग कोड्स के कीवर्ड के ऊपर सारी की सारी जो साइट्स हैं वो आप ही की हो, वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर यूजर क्लिक करे, इस वेबसाइट के ऊपर जब क्लिक करे इसके ऊपर जो एड व्यू करे उसके पैसे भी आपको ही मिले, और इसके ऊपर क्लिक करके भी, इसके ऊपर क्लिक करके भी, किसी भी वेबसाइट, मतलब आप खुद ही अपने साथ कंपीट कर रहे हो, आपकी अपनी वेबसाइट ही अपने साथ कंपीट कर रही होगी, तो फिर आपके आपके कंपटीटर्स होंगे ही नहीं, ठीक है। उबर और करीम ने क्या किया पिछले दिनों, करीम ने उबर खरीद ली ना, वो क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुझे कोई कंपीट करे मार्केट के अंदर, उसने पैसे दिए उसको और उसे कहा जी ठीक है अब तुम मेरी हो, ठीक है। तो मतलब ये है कि कंपटीटर्स को खरीद लेना भी एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजी होती है, और अगर आप उन कंपटीटर्स के साथ कंपीट नहीं कर सकते, या फिर आपको लगता है कि जी आप उबर के लिए भी एक अच्छा था अपॉर्चुनिटी थी कि उसने एक कंपनी खड़ी की जिसको जो है वो सफे अवल की कंपनीज में लाके खड़ा कर दिया, जो कार मूविंग कंपनीज है उनकी, और उसने देन उसको बेच दिया, सेल कर दिया, मतलब वो बिलियंस कि जो है वो एक सेल हुई और उसने करीम ने उबर को खरीद लिया। इसी तरह जो है अब आप लोग जो है वो एट सेम टाइम आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेके चल सकते हैं, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं, और मुख्तलिफ किस्म की चीजें, मुख्तलिफ किस्म की राहें हमारे लिए खुलती रहती हैं, और उनको हम आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये इतना रेवेन्यू अगर आप इनसे मंथली कमाना शुरू कर देते हैं, मतलब स्टार्ट में, अब आपके पास अमेजोन का जो प्रोजेक्ट है ये हो सकता है आप आपसे 6 माह ले ले, ठीक है, फिर उसके बाद कोड्स एंड वेबसाइट 4 माह ले सकती है, क्रैक्स की वेबसाइट 3 माह ले सकती है, लेकिन ये जो दो प्रोजेक्ट्स हैं ई कॉमर्स का और फाइवर और फ्रीलांसर पीपल पर आर अपवर्क, ये उस केस की मैं बात कर रहा हूँ जब आप लोग टीम के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप पहले महीने से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं इन दो चीजों से, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं फाइवर पीपल पर आर पे अपवर्क के ऊपर, और दूसरा है अब ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। ई कॉमर्स में एक साइट बनाने को मेरा नहीं ख्याल कि 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम आपको लगेगा, फिर उसके बाद आपने फेसबुक के ऊपर जैसे ही एड रन करना है वैसे ही आपको पैसे आना शुरू हो जाने हैं, और ऑर्डर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये कि इन दो प्रोजेक्ट्स को आप क्विक रिस्पॉन्स के लिए रख लें, और इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लें। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि जी आपने बोला जी 6 माह हमने जो है वो इसके ऊपर
टिका के काम करना है, और फिर हमने कुछ एक्सपेक्ट करना है इसके ऊपर कि जी कोर्ट्स के कोई 200 आर्टिकल्स हमने पब्लिश कर दिए, या कोर्ट्स के कोई 100 आर्टिकल पब्लिश कर दिए, अमेजोन एफिलिएट के कोई 100 आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए, और फिर उसके बाद हमने उसकी एसईओ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो एक स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, एक विजन होगा आपके दिमाग के अंदर कि आपने करना क्या है, अपनी टीम को मैनेज कैसे करना है, तो फिर आप जो है इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। वरना एज एन इंडिविजुअल आप इन दो चीजों को तो लेके चल ही सकते हैं कि फाइवर फ्रीलांसर है, पीपल पर आर है, अपवर्क है, ई कॉमर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो आप लोग इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं। अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट क्रिएशन की सर्विस आप फाइवर पे दे सकते हैं, क्रैक्स वेबसाइट है, कोई भी किसी भी किस्म की वेबसाइट हो सकती है, तो बिजनेस वेबसाइट हो सकती है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस आप फाइवर पे दे सकते हैं, माइग्रेशन की सर्विसेज आप दे सकते हैं फाइवर के ऊपर। मैंने कल आप लोगों को एक प्लगइन बताया था आई थीम सिक्योरिटी के नाम से, लोग इस प्लगइन के पीछे पागल हैं और वो चाहते हैं कि हम जो है वो कहीं से इसको कम पैसों के अंदर खरीद के अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर लें। मैंने आप लोगों को बोला था मैं ये आपको थीम दे दूंगा, आप सिंपल एक थीम जो है वो लोगों की साइट के ऊपर इंस्टॉल करना शुरू कर दें, तो $15-20 आपको इस प्लगइन इंस्टॉलेशन के दे देंगे, क्योंकि इसकी अपनी प्राइस जो है वो $199 है। तो आप इसको $50 में भी बेच सकते हो, $40 में भी बेच सकते हो, जहां पे आपका तुक्का लगे आप बेच सकते हो। फिर उसके बाद मैंने QR ओशन के नाम से एक साइट बताई थी अपनी, ठीक है, QROcean.com, वहां पे आप लोग QR कोड्स जो है वो जनरेट कर सकते हो लोगों के लिए। और ये काम जो है ये मतलब आप कह सकते हो कि अगर हम वैसे बात करें तो ये $50 $60 के अंदर एक QR कोड जो है वो जनरेट करके दिया जाता है। लेकिन अगर आप आपके कौन सा यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लग रही है, आपने सिंपल यहाँ से एक अच्छा सा डिजाइन उसका क्रिएट करना है, उसकी कलरिंग शलरिंग करनी है, और आपने यहाँ से जनरेट कर देना है कोड को, ठीक है। ये लें जी कोड जनरेट हो गया, फिर उसके बाद कोई कलर वगैरह आपने अगर लगाना है तो कलर लगा सकते हैं, कोई आपने ग्रेडियंट इसको लगाना है, फोरग्राउंड आपने कोई इस कलर का रखना है, इस कलर का रख के तो जनरेट कर दें, ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्रेडियंट है, कस्टम मार्कर कलर है, इतनी किस्म की यहाँ पे आप लोगों को अपना लोगो शोगो लगाने का मैंने बताया था। तो इस लोगो को जो लोग $50 में बेच रहे हैं, इस QR कोड को अगर आप $10 में बेचना शुरू कर देते हैं तो क्यों नहीं खरीदेंगे लोग आपसे, ठीक है। तो मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, आपने सिर्फ प्लान करना है चीजों को कि हमने चलना कैसे है इस दुनिया के अंदर। ये एक पूरा समंदर है जिसके अंदर आप जिस भी डायरेक्शन में चले जाओगे आपको कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को मिल जाएगा। अच्छा वापस आते हैं जरा, आज का जो टॉपिक था उसके उससे हम काफी दूर निकल गए, और फाइबर के ऊपर हम चीजें जो है वो डिस्कस कर रहे थे, और कौन लोग हैं जिन्होंने कोई अपनी साइट शेयर की है मेरे साथ। इकरा है, और इकरा स्मोक होलसेल, अच्छा ये भी मैंने साइट आई थिंक सो पहले भी देखी है, दोबारा से देख लेते हैं कहाँ तक पहुंची है। अच्छा जी सब्सक्राइब डेपर डॉट रिव्यूज और होम एंड किचन इलेक्ट्रॉनिक्स फैशन, वेरी गुड बेहतरीन, मोर इन होम एंड किचन, वेरी गुड जी बेहतरीन, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह हम मंडे को पढ़ेंगे कि इस पोस्ट को हमने कैसे डिजाइन करना है। अभी आई थिंक सो पोस्ट जो है वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं राइटर्स को बोलता हूँ कि एक आर्टिकल जो है वो लिख के हमें दें ताकि आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवा सकूं उसके ऊपर, इंशाल्लाह मंडे तक आ जाएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं जरा, और किसी ने कोई अपना काम दिखाना है तो आप लोग दिखा दें, फिर उसके बाद हम फाइबर पे मूव ऑन करते हैं। कुछ ही मिनट बाकी हैं, आखिरी 20 मिनट जो है वो हमारे पास है, जल्दी से अपना कोई काम दिखाना चाहते हैं काम दिखा दें, वरना फाइबर की प्रोफाइल्स आप लोग दिखा सकते हैं। गुजारिश है उन लोगों से जिन्होंने पहले दिखा ली है वो आज ना दिखाएं, उन वो लोग जिनको पिछले हफ्ते इतराज था कि सर आपने हमारी प्रोफाइल नहीं देखी, वो इसलिए मैं नहीं देखता क्योंकि आप लोग बहुत बाद में आते हैं, लेट ज्वाइन करते हैं लेक्चर को, तो पहले आओ और पहले पाओ वाला सीन होता है यहाँ पे। तो जिसका मुझे कमेंट मिलता जाता है मैं उसको देखता जाता हूँ, तो जिन लोगों को पिछले हफ्ते नहीं देख पाया था उनके पास आज मौका है, आज जरा जल्दी से कमेंट कर दें अपना फाइवर का लिंक ताकि मैं उसको जरा एक दफा रिव्यू कर लूं।
सर सिर्फ फर्स्ट पेज डिज़ाइन किया है, उसके इमेजेस डिज़ाइन करने लग गया था, बाकी हम इंशाल्लाह आज हो जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। जेक्रेट डॉट क्लब। ठीक है जी, इन्होंने भी एस्पायर प्रो इंस्टॉल किया, इसके ऊपर अनबायस्ड रिव्यूज एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट सर्च दिस वेबसाइट। अच्छा, नए इमेजेस अभी आप डिजाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा हॉवर करने के ऊपर इसका जो कलर है वो सेम वैसे ही हो जाता है जैसा आपका जो है वो दूसरा कलर है, तो इसको जरा मैनेज कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं जी, फाइबर पे मूव करते हैं। फाइबर पे हेरा वेब एक्सपर्ट मैं काफी दफा देख चुका हूँ वैसे पहले, लेकिन चलें देख लेते हैं दोबारा से। जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे आप लोगों के जो लिंक्स हैं मैं उनको देखता जाऊंगा। 7 गिग्स आपकी माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी हैं, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। ई रोजगार ट्रेनिंग एंड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की क्या देख लेते हैं। आई विल स्पीड ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट, आई विल ऑप्टिमाइज स्पीड ऑफ वर्ड प्रेस वेबसाइट, इस तरह का कुछ कर लो। ठीक है, ये टाइटल अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जैसे आपने इस टाइटल के अंदर यूज किया ना, आई विल क्रिएट अ स्टनिंग वर्ड प्रेस वेबसाइट, तो आप इसको भी ऐसे कर सकते थे ना, आई विल ऑप्टिमाइज योर वर्ड प्रेस वेबसाइट ड्रामेटिकली। ठीक है, इस तरह का कुछ यूज कर लो वर्ड कोई, या फिर प्रोफेशनली इस तरह का कोई कीवर्ड यूज करोगे तो लोग अट्रैक्ट भी होंगे उसे और आपको ऑर्डर भी करेंगे। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, लोड टाइम लेस देन 3 सेकेंड्स, जी मैट्रिक्स नहीं होता बेटा, जीटी मैट्रिक्स, स्कोर अबव 90%। ठीक है, इसको इस तरह लिखो और बाकी ठीक है। अभी प्राइस पी के आर से ना जरा यूएसडी में कर लेते हैं, क्योंकि यूएसडी में मुझे जरा ज्यादा तजर्बा है, पी के आर का पता नहीं लगता कितने डॉलर बने हैं। 20 और 45 प्रीमियम, मैंने आपको बताया भी था शायद, आई थिंक सो, पहले भी आप ही को बताया था या किसी और को बताया था, अभी मुझे याद नहीं है। इसकी जो प्राइस है थोड़ी सी कम करें, अभी आप बिगिनर हैं तो अभी आप इतनी ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो काम खराब हो जाएगा। मैंने आपको रिकमेंड किया था बेसिक चलें 20 रहने दें, स्टैंडर्ड को 30 कर दें और प्रीमियम को 40 कर दें। ठीक है, बस इतना सा नीचे करना है, बाकी ठीक है। आपके थंबनेल्स भी अच्छे हैं, वीडियोस के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें तो एक और अच्छी बड़ी मार्केट है जो आपको मिल सकती है, और उसको भी आप अपनी जो है गिग्स दिखा सकते हो। फिर उसके बाद है जी उस्वा असलम। उस्वा असलम 21 तो नहीं है, उस्वा असलम ये। वेब डेवलपमेंट पिक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उस मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते तो आप कम से कम अपना कोई जैसे आप लोगों को आजकल तो वो फेसबुक ने भी वो अवतार बनाने की जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप वहीं से अवतार बना के उसी को यहाँ पे लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। कम से कम अपना कोई पोर्ट्रेट, अपना कोई पिक्चर, कोई कार्टून कैरेक्टर अपना लगा दें जो आपसे मिलता जुलता हो, तो उसको भी आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लगाएंगे तो ज्यादा ऑडियंस मिलेगी। ऐसे ना, मतलब ऐसे लगता है शायद हम किसी रोबोट से बात कर रहे हैं जिसने यहाँ पे ऐसी को पिक्चर लगा दी है और यहाँ पे भी वो गिग्स लगा कर बैठा हुआ है। तो जब आप किसी यहाँ पे पिक्चर, एक अब सिंपल सी बात है, हर एक इंसान की ना ये नेचर होती है, ये फितरत होती है कि वो जिसके साथ काम कर रहा होता है ना वो उसको देखना चाहता है कि वो कैसा लगता है, वो दिखने में कैसा है, वो चलने फिरने में, और मतलब उसकी रोजमर्रा रूटीन्स क्या है, इस तरह की चीजें जो है वो इंसान की नेचर है। अब मुझे बहुत दफा होता है, मैं यहाँ पे फैसलाबाद में बैठ के कराची में काम कर रहा होता हूँ, मेरा दिल करता है इनको शाबाश देने को, ये जो लोग सब्सक्राइब के ऊपर काम कर रहे हैं और वो रोजाना के कोई 6-7 आर्टिकल्स जो है वो राइट करते हैं, तो अब मैं यहाँ पे बैठ के या तो कभी कभार उनको वीडियो कॉल कर लेता हूँ या फिर मैं खुद कभी दिल किया तो कराची चलेगी। तो मतलब ये है कि हर एक इंसान की नेचर होती है, आपके क्लाइंट्स भी ये चाह रहे होंगे जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगी, उनकी भी ये नेचर होगी कि मुझे कम से कम पता तो लगे ये बंदा है या बंदी है, ये दिखता कैसा है। ठीक है,
फिर भी अगर नहीं दिखा सकते तो आप अपना कोई कार्टून कैरेक्टर, जैसे मैंने आप वो अभी हमने जो गिग व्यू की है हिरा की, तो हिरा ने अपनी गिग्स के अंदर अपने कार्टून कैरेक्टर लगाए हुए हैं, तो इस तरह का कुछ कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा जी, पोर्टफोलियो बनाया है, पेंडिंग पर था, ठीक है सर। हाउ टू शेयर द वेबसाइट डेवलप्ड ऑन लोकल होस्ट सर्वर, उसको नहीं शेयर कर सकते आबिद, आप उसका ओनली एक जो हल है वो ये है कि आप उसके स्क्रीनशॉट लेके मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है। या तो फिर लाइव आ सकते हो आप मेरे साथ और पूरी क्लास को के साथ हम उसकी स्क्रीन शेयर करके उसको देख सकते हैं। SH underscore अवेलेबल, ये आई थिंक सो इदरीस फारूक साहब ने आपकी गिग लगवाई है ऑन पेज एसईओ की, एम आई राइट? क्यों भाई सजाद, ऐसे ही है? सजाद ऑन पेज एसईओ सीख ली है फिर आपने उनसे, अपने जो इदरीस फारूक साहब है? अच्छा चलें, अब एक काम है वो आपने ये करना है कि ये जो ऑन पेज एसईओ अगर आपको कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आप एक आर्टिकल को ऑन पेज ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो फिर आप किसी दिन मेरे साथ लाइव आओ और जो हमारी क्लास है सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाओ कि आप किस तरह एक आर्टिकल को ऑन पेज ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है? ताकि हम लोग भी ऑन पेज की जो गिग्स हैं वो लगा सकें अपनी अपनी प्रोफाइल के ऊपर, और हमें भी बताओ कि ऑन पेज कैसे करते हैं। ठीक है, $100 कर दिए प्राइस बेटा, थोड़ी सी ज्यादा है, इसको कम करो अभी। आई विल क्रिएट अ स्टनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट। यूजिंग एलिमेंटर प्रो बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ठीक है, ये ना आपका ये जो पैकेज है ये थोड़ा सा कम है, मतलब आप यहाँ पे ऑफिशियल एलिमेंटर प्रो एक्टिव करके दे रहे हो ऑन ऑन पर वेब $5 ऑन पर वेब। अच्छा, विदाउट एनी डाउट इफ समवन इफ सिंपल वन पेज डिजाइन सो $35। ऐसे ना करो यार, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये चीजें खराब कर दी हैं तुमने। $35 को उधर रखो, और अगर सिर्फ प्लगइन देना है तो उसकी कोई अलग गिग लगा सकते हो आप। वैसे काम ऐसे ना करो कि प्लगइन की जो है वो डायरेक्ट गिग लगाओ, आप एलिमेंटर प्रो कहोगे जी मैं आपको एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करके दूंगा और उसे कस्टमाइजेशन भी साथ जो है वो करके दूंगा। ठीक है, माइग्रेट भी हो गया। तो अभी मुझे बताओ कि किस दिन फिर आप जो है वो बता रहे हो हमें कि किस दिन लेक्चर दे रहे हो ऑन पेज एसईओ का। ठीक है, नेक्स्ट कौन है भाई? फरीहा अंदलीप, वही लोग हैं जिनको हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, बाद में फिर मेरा जिम्मा ऑस्पोस है, मुझे ना कोई कहे कि सर आपने मेरी प्रोफाइल नहीं देखी। आई विल रिमूव बैकग्राउंड। अच्छा भाई फरीहा, आपको अभी तक मैसेज कोई नहीं आया, ठीक है? मैं उसकी कुछ रीजंस अगर मोटी मोटी बताऊं तो ये जो पिक्चर है इसका थंबनेल सेटअप नहीं है, ये जो आपकी वीडियो है इसका थंबनेल सेटअप नहीं है,
फिर उसके बाद आपका ये जो पिक्चर है इसका थोड़ा सा कलर स्कीम जो है इसके ऊपर काम होने वाला है। ये अच्छी पिक्चर है रिमूवल ऑफ बैकग्राउंड की, एक गिग अभी आपकी लगने वाली रहती है। दूसरी बात ये है कि वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन, होस्टिंग माइग्रेशन, बैकअप क्लीनअप, ये आपकी अच्छी है गिग इमेज जो है इसको आप ऐसे ही लेके चलें। लेकिन पिक्चर, ये जो वीडियो है इसका थंबनेल सेटअप करना जरा सीख लें थोड़ा सा, कि उसको आप लोग कैसे सेटअप कर सकते हो। आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम एंड सेटअप सेम लाइक डेमो, आई विल बिल्ड स्टनिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। अच्छा भाई, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की गिग लगाओ, एक बहुत बड़ी मार्केट है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की। फिर उसके बाद माइग्रेशन हमने पढ़ ली है, उसकी गिग आपने माशाल्लाह लगा दी है, और अब उसकी बाय रिक्वेस्ट भी सेंड करना शुरू करें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की भी। और मैंने एक चीज आप लोगों को जो बताई थी, शायद उसके ऊपर आप लोगों ने उसको हल्का ले लिया है, और उसके अंदर जितना पोटेंशियल ज्यादा है आप लोग उसको सोच नहीं सकते। जो मैंने आप लोगों को ईमेल्स फेच करना सिखाई थी कि कैसे आप ईमेल्स गूगल से फेच करके उनको ईमेल कर सकते हो और उनको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की ऑफर जो है वो भेज सकते हो, ठीक है। उनका स्कोर चेक करो, एक स्क्रीनशॉट साथ अटैच करो कि यार तेरी वेबसाइट 10 सेकंड में लोड हो रही है, मैं तुझे 3 सेकंड के अंदर लोड करके दिखाऊंगा। उससे ये होगा कि आपकी साइट जल्दी रैंक करना शुरू कर जाएगी, गूगल के ऊपर ऊपर आ जाएगी, और आपको ज्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस तरह की जब बातें करोगे, अपनी ईमेल पिच जो है वो जरा अच्छी सी बनाओ, उसके अंदर अच्छा सा कंटेंट लिखो, तो जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हो और लोगों को बताए कि यार वाकई मुझे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज की जरूरत है, तो फिर वहां से आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिल सकते हैं। फिर आपको किसी फाइवर शाइवर की भी जरूरत नहीं रहेगी। आपके साथ अगर वहां से ईमेल के जरिए कुछ लोग जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस को आप सर्विसेज देना शुरू कर देते हो, तो 2 से 3 बिजनेसेस बहुत होते हैं आपको सारी जिंदगी चला के लेने के लिए, ठीक है। और वो फिर आप उनके परमानेंट परमानेंट जो है वो एम्प्लॉय हो जाते हो और उनको मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज जो है वो देते हो। सर मैंने एक अदर की गिग लगाई है, उस पर बहुत रिक्वेस्ट शो होती है। मैंने आप लोगों के साथ शायद ये ट्रिक एक शेयर किया था, बाय रिक्वेस्ट जिनको कम शो होती है, तो आप कम अपनी एक गिग को जो कैटेगरी है वो अदर की दे दें। फाइवर के ऊपर ना एक कैटेगरी होती है अदर्स के नाम से, कि अगर आपको कोई भी कैटेगरी सूट नहीं कर रही तो आप अदर्स के नाम से जो है वो एक कैटेगरी बना लेते हो, उसके अंदर अपनी गिग लगा देते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अब बहुत सारे फ्रीलांसर, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करनी है तो मैंने किस कैटेगरी के लोगों को दिखानी है, तो उनको उस कैटेगरी की समझ नहीं आती, तो वो अदर सिलेक्ट कर देते हैं वहां पे। बहुत सारे लोग करते हैं अदर, तो जिस जिसने अपनी गिग अदर कैटेगरी के अंदर लगाई हुई होगी तो उसको फिर वो बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो होगी, तो उससे बाय रिक्वेस्ट जो है वो बहुत सारी आप लोगों को शो होने लग जाती है, ठीक है। जब आप गिग क्रिएट कर रहे होते हो, कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे होते हो, तो कोई भी कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करनी, लास्ट पे अदर लिखा हुआ होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, गिग की कैटेगरी अदर रख देंगे तो बाय रिक्वेस्ट ज्यादा शो नहीं लगेगी आपको, ठीक है। इररेलीवेंट है या रेलिवेंट है वो बात की बात है, लेकिन बाय रिक्वेस्ट की तादाद कम अज कम बढ़ जाएगी, और उनमें से जो आपको लगे कि यार इसको मुझे पिच करना है चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करें और उसको अपनी ऑफर सेंड करें, ठीक है। चलें जी वीडियो देखते हैं इनकी, क्या किया इन्होंने। अच्छी है ये वीडियो, लेकिन इसकी एंडिंग अच्छी नहीं की आपने, इसको और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता था इसका टाइम, मतलब इसमें और स्लाइड्स भी डाली जा सकती हैं। अभी ये 31 सेकेंड्स की है, मैंने आपको बोला था कम से कम 45 सेकेंड्स की जो है ना एक बनाया करो वीडियो, 45 सेकेंड से 75 सेकेंड्स तक जाया करो, और एंडिंग पे आप अपना यूआरएल जो है आपका फाइवर का यूजर नेम वो शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अगले वाली वीडियो देखें, अगले वाली कौन सी है, दूसरी गिग के ऊपर है, चलिए देख लेते हैं।
अच्छा यहाँ पे एक चीज देख लें फरीहा, आपने जो टेक्स्ट है वो ज्यादा लिखा है और उस टेक्स्ट को जितना टाइम देना चाहिए था उस स्लाइड को वो कम है। मतलब कम टाइम, थोड़ा सा टाइम गुजरता है और वो स्लाइड गुजर जाती है, अगली स्लाइड आ जाती है, पूरा टेक्स्ट पढ़ा नहीं जाता। जो आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो वे तो ठीक है, लेकिन वीडियो एफएक्स मेकर जो मैंने आपको टूल दिया है ना, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जहां से आप हर एक स्लाइड का डिफरेंट टाइम सेटअप कर सकते हो कि आपने हर एक स्लाइड को कितना टाइम जो है वो देना है। तो जिस स्लाइड के ऊपर आपको लगे कि ज्यादा टेक्स्ट मैंने लिख दिया है, उसका जो है टाइम आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, ताकि यूजर को थोड़ा सा टाइम मिल जाए उसको पढ़ने के लिए कि आपने क्या लिखा है। हाँ ये देखो, यहाँ पे आपने गुड बाय बोला है तो इट्स गुड, लेकिन बस टाइमर का मसला है, थोड़ा सा टाइम जो है वो उसका इंक्रीज कर लें तो हो जाएगा। अच्छा जी ठीक है, सर नेट के इश्यू की वजह से रिस्पांस रेट कम हो गया, इंक्रीज होने का टाइम नहीं, नाम नहीं ले रहा। हाँ जी एक साहब, वो इंक्रीज ऐसे होगा कि जब नेक्स्ट क्लाइंट्स आपको मैसेजेस करेंगे तो आप उनको क्विकली रिस्पॉन्स दे देंगे, तो फिर वो एवरेज उसकी कैलकुलेट होगी और देन वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लाइंट्स की दफा इस तरह का मसला ना आए, ट्राई करें कि आप हर वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड रहें, ताकि कोई भी क्लाइंट आपको किसी भी वक्त मैसेज कर सकता है तो उसको क्विकली रिस्पॉन्स आपका जो है वो जाना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी आगे कौन है जी हमारे पास? फरीहा के बाद जीशान इंजीनियर है। जीशान आपकी प्रोफाइल तो यार काफी दफा देख ली है, ये वही लोग हैं। अभी ये फरीहा को भी मैंने पहले जो है इसकी भी प्रोफाइल देखी है, फिर उसके बाद हेरा है, उससे पहले जीशान है, ये वही लोग हैं जो हर हफ्ते अपनी अपनी प्रोफाइल दिखाने आ जाते हैं। बाकी नए लोग किधर हैं? मैं उनको देखना चाहता हूँ कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई विल बिल्ड अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। ये क्या है भाई, ये कौन सा लफ्ज है? वेल कम्युनेटिव। मुझे अभी इसका मतलब तो नहीं पता कि ये डिक्शनरी के अंदर कोई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, लेकिन देख लेते हैं। कम्युनेटिव, कम्युनेटिव ठीक है जी। कम्युनिकेटिव या कम्युनेटिव का मीनिंग देख लेते हैं हम उर्दू में। बदलने वाला यह है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं चाहिए भाई, आपने लिखा है कम्यूनेटिव, देखो जरा। कम्यूटेटिव कोई निकाल रहा है वो बार बार कम्यूनेटिव, आई डोंट थिंक सो कोई वर्ड है। अगर है तो प्लीज हमें भी थोड़ा सा बता दें कि ये क्यों लिखा है आपने, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या इसको मैनेज करो ये इस तरह की गलती। अगर ये गलती है तो आई डोंट नो, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, ठीक है, लेकिन इसको देख लो, थोड़ा सा नजरे सानी कर लें इसके ऊपर। फ्रेंडली फास्ट डिलीवरी 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। अच्छा जी
वेरी गुड, 58 सेकेंड्स की वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो बनाई है इन्होंने, और पैकेजेस भी अच्छे हैं, डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, बिजनेस वेबसाइट्स, ऑनलाइन स्टोर, वर्डप्रेस वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर, सारी चीज़ें मेंशन की हैं। कि किसी भी किस्म की वेबसाइट चाहिए तो आप लोग आ सकते हैं। प्राइस थोड़ी सी कम रखी है जी, आपने पूरा एक जो है वो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप करके देनी है, उसकी प्राइस इतनी नहीं होती, ठीक है? या तो फिर आप पेजेस के हिसाब से उसको मैनेज करो। आप देखो ना, 1 to 7 pages आप कह रहे हो विद स्टनिंग डिजाइन एंड फंक्शनैलिटीज, तो बेटा $35 में तो नहीं बेचोगे ना आप उसको, 350 में भी बेचोगे तो कम है। इट्स गुड कि आपने यहाँ पे FAQs लिखे हैं, टैग्स आपकी कंप्लीट है, टैग्स के अंदर आपको पोर्टफोलियो लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ई कॉमर्स ठीक है, इसके अगेंस्ट अच्छा आपको जंक ऑफ ऑडियंस मिल जाएगा, वर्डप्रेस ब्लॉग्स भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वर्डप्रेस को यहाँ पे जो है इम्बेड करें। टैग्स जो है वो कोशिश करें जिन टैग्स के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है। मैंने आपको फाइबलेटिक्स एक एक्सटेंशन बताई थी, उसके ऊपर जाके आप कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं कि फाइबर के ऊपर किस कीवर्ड पे कितनी ट्रैफिक है, ठीक है? चलें जी, आगे चलते हैं। और अब किसकी है बारी? हमारे पास टाइम भी कंप्लीट हो रहा है, हो चुका है बल्कि। अयूब अली, अयूब का एक ऑर्डर हो गया भाई। अयूब, आपने बताया ही नहीं हमें कि आपने एक ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है। क्रिएटिव एंड वर्क विद मी वेल, चले, वेरी गुड। डॉप फोटोशॉप, वर्डप्रेस वेबसाइट, आई विल बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट और डब्ल्यूपी ई कॉमर्स। डब्ल्यूपी ई कॉमर्स कोई वर्ड नहीं है या कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है? इसको या तो कंप्लीट लिखो या फिर डब्ल्यूपी को रिमूव कर दो, या फिर इसको देखो कैसे मैनेज करना है। ये टाइटल बिल्कुल जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है। आई विल डिवेलप अ सिंगल पेज पोर्टफोलियो वेबसाइट विद इन 24 आवर्स। दैट्स वेरी गुड, इसको ये अच्छा है, ठीक है, कि आपने टाइम भी मैंशन किया कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मैं सिंगल पेज पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो डिजाइन करके दे दूंगा। आई विल माइग्रेट वेबसाइट विद इन 24 आवर्स। आई विल स्पीड अप योर वर्डप्रेस वेबसाइट, इसको भी विद इन 24 आवर्स कर दो। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था फाइबर के ऊपर, जितनी ज्यादा गिग्स की आपकी जो डिलीवरी टाइम है वो 1 डे होगा, उतना ज्यादा फाइबर आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि आपकी गिग्स एक दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, तो जितनी जल्दी आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है उतनी जल्दी फाइबर के अकाउंट में पैसे जाते हैं, तो फाइबर भी फिर उन्हीं गिग्स को सपोर्ट करता है, बजाय इसके कि वो 30 दिन इंतजार करे या 2 महीने इंतजार करे ऑर्डर के कंप्लीट होने का और फिर उसको जो है वो पैसे आए। वो उन गिग्स को ज्यादा प्रमोट करेगा, उनके ऊपर ज्यादा ऑर्डर दिलवाएगा जिनका डिलीवरी टाइम 1 डे है, ताकि जल्दी जल्दी से जल्दी जो है वो पैसे फाइवर को भी मिल जाए। फाइवर बड़ा लालची किस्म का इंसान है, इसको लालच देते रहोगे तो कामयाब रहोगे। जिस दिन आपको फाइवर के एल्गोरिदम के बारे में पता चल गया, फाइवर की साइकी समझ में आ गई, उस दिन फिर आप किसी भी दिन आके आप अपनी गिग को रैंक कर सकते हो। लेट्स अ लुक नहीं होता, लेट्स हैव अ लुक, ठीक है? या फिर हैव अ लुक एट माई पैकेजेस। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, आपकी प्राइसेस ठीक हैं। ये ना मैंने आप लोगों को बताया था, रिविजन्स कभी अनलिमिटेड नहीं देते। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप लोग अनलिमिटेड रिविजन दे के फिर सारी जिंदगी के लिए उसके गुलाम बन जाते हो। अब जैसे आपकी सर्विस है जी, आई विल बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट और डब्ल्यूपी ई कॉमर्स, जो भी आपकी वेबसाइट है, आपने टाइटल में लिखा है कि मैं आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बिल्ड करूँ,
तो वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करना भी आ जाता है, वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर पेजेस क्रिएट करना भी आ जाता है। उस भाई साहब की कोई 2000 प्रोडक्ट्स हैं, फिर क्या करोगे? ठीक है, वो तो नहीं दे सकते ना, वो रिविजन पर रिविजन देता रहेगा, रिविजन पर रिविजन देता रहेगा, ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करेगा। तो ये इस तरह की चीजें फिर आपको तंग करती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने अनलिमिटेड रिविजन खुद से लिख दिया, तो फिर वो तो आपको आसानी से वो रिविजन जो है वो ले सकता है, और वो आपको दोबारा से दोबारा कहता रहेगा कि जी रिवाइज वर्क डिलीवर करें, रिवाइज वर्क डिलीवर करें। तो वो थोड़ा सा आप फंस जाते हो फिर उसमें। तो इसकी बजाय आप रिविजन्स दें, लेकिन अनलिमिटेड देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी, और कौन है भाई? हाफिज आबिद 786। नहीं यार, ये ऊपर एक दो लोग रहते हैं, उनको देख लें। सनी अंडरस्कोर मुगल। योर टॉयस्ट इज आर सक्सेस, वर्चुअल असिस्टेंट, मैग्निफिशेंट सर्विसेज इन डाटा एंट्री, डॉग्स, वर्डप्रेस वेबसाइट, इंस्टॉल सेटअप। यहाँ पे भी थंबनेल सेटअप होने वाला है, ये अच्छा है पिक्चर आपकी। और इसके अलावा आई विल प्रॉस्पर एन एस्टोनिशिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, टाइटल थोड़ी सी थोड़ा सा इम्प्रूव करें इसको। और $5 में आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं $5 में आप? वन पेज डिजाइन कस्टमाइजेशन, अच्छा ये सारी चीजें नहीं दे रहे, एक पेज क्रिएट करके देंगे बस। पैकेजेस को थोड़ा सा बढ़ा लें, देखें आप प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, और उन प्राइसेस के अंदर आप उनको, जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की बात करते हैं कि जी मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दूंगा और थीम इंस्टॉल करके दूंगा डेमो की तरह, और आपको कोई प्लगइन इंस्टॉल करके दूंगा, वो मैं आपको बेसिक पैकेज के अंदर दूंगा। हाँ, अगर आपने कोई स्टैंडर्ड पैकेज खरीदना है, उसके अंदर मैं आपको ई कॉमर्स सर्विसेज भी दे सकता हूँ, ई कॉमर्स ऐड करके दूंगा, ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी दूंगा, और इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद प्लाटिनम के अंदर आप पेमेंट मेथड्स की बात कर लें, आप उसको कहेंगे जी मैं साथ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी करके दूंगा, इतनी प्रोडक्ट्स भी अपलोड करके दूंगा। तो इस तरह से डिवाइड किया करें इस तरह की गिग को, ठीक है? ठीक है जी, बाकी ये थंबनेल के ऊपर काम कर लें और बाय रिक्वेस्ट भेजते रहें सब लोगों के लिए। यही जो है वो नसीहत है कि बाय रिक्वेस्ट, बाय रिक्वेस्ट और बाय रिक्वेस्ट। अब हमने कंप्लीट कर ली है गिग्स, हमारे पास अब 7 से भी ज्यादा हम लगा सकते हैं, इतनी स्किल्स हैं हमारे पास माशाल्लाह। अब अगला काम जो है वो ये है, फाइवर के ऊपर जो कामयाब होना है, द ओनली थिंग इज योर बाय रिक्वेस्ट। गिग्स को अपडेटेड रखें हफ्ते में एक दो दफा, एक बार कम अज कम, हर जो वीकेंड है उसके ऊपर अपनी गिग्स को जो है वो एक दफा रिव्यू किया करें कि कौन सी गिग को अपडेट करने की जरूरत है। आपको ये सारा कुछ क्लियरली बता दिया गया है कि कब आपने क्या अपडेट करना है, किस गिग को कैसे अपडेट करना है, ठीक है, किस जगह पे जाके आपने अपडेशन करनी है। तो उसको मलहूजे खाते रखते हुए जरा अपनी गिग्स को अपडेट करते रहा करें और बाय रिक्वेस्ट सेंड करते रहा करें, रोजाना की रूटीन बना लें कि 10 बाय रिक्वेस्ट करनी है जैसे भी करनी है, ठीक है? और बाय रिक्वेस्ट सेंड किए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। न्यू फ्रीलांसर है अभी, हमारी गिग्स रैंक नहीं है, जब हमारी वंस हमारी गिग्स पहले पेज पे रैंक होना शुरू हो जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स लोग किया करेंगे। अभी फिलहाल हमें बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर्स लेना पड़ेंगे, और बाय रिक्वेस्ट कैसे आएंगी जब आप अपनी गिग्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है जी, फिर आज के लिए इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। जो बाकी लोग हैं इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट वीक के अंदर कहीं पे भी जब टाइम मिलेगा, या तो लेक्चर के एंड पे या फिर फ्राइडे को इंशाल्लाह रखेंगे, और वहां पे उन लोगों को हम उनकी प्रोफाइल्स व्यू कर लेंगे। वैसे मैं इनबॉक्स में भी आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, और प्रोफाइल्स आप लोग अपने यूआरएल्स और यूजर नेम देते रहते हैं, मैं जब टाइम मिलता है मैं उनको भी देख के आप लोगों को वहां पे भी फीडबैक देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। एक छोटा सा काम है जो मुझे याद आ गया है, कल भी याद मैं खोल के रखा रखा यहाँ पे इस शीट को, और ये भूल गया कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करना है। ये कुछ नाम है, जरा इनको जरा गौर से देख लें, मैं इनको बोल रहा हूँ। ये वो नाम है जिन्होंने अभी तक अपना जो प्रोफाइल लिंक है फाइवर का या फ्रीलांसर का या पीपल फरार का, वो हमें प्रोवाइड नहीं किया। इनकी अटेंडेंस भी ठीक है, और ये लोग ऐसे हैं जिनको हम ग्रेजुएट नहीं करेंगे अगर इन्होंने अगले कुछ दिनों के अंदर अभी भी प्रोफाइल अपना जो प्रोफाइल लिंक है वो शेयर ना किया। तो
मोहम्मद उमर अमीन है, मोहम्मद फहद है, CNIC नंबर्स और फादर नेम यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग उसको खुद ब खुद देखते जाएंगे। मोहम्मद एहसन है, उमर यासीन है, जीशान रसूल है, मियाँ शाहान राशिद है, मोहम्मद अब्बास है, आबिद अली, मदीहा अनवर, मोहम्मद जहाजेब, जियाउर रहमान, असद रियाज विर्क, गजाला शाहीन, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद अहमद, अनमोल आयशा, मुजाहिद अहमद और जीशान हाशिम, सबा नसरीन और अब्दुल कयूम। ये वो लोग हैं जिनके हमारे पास अभी तक प्रोफाइल के कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि वो एक फॉर्म हमने जो है वो पोस्ट किया था ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर हमने आप लोगों से फाइवर के प्रोफाइल लिंक्स मांगे थे जिसके अंदर। ठीक है, आप उस फॉर्म को फिल कर दें, वरना आपके लैब मैनेजर्स हैं आपके पास, उनको आप अपना प्रोफाइल लिंक शेयर कर दें या फिर मेरे साथ शेयर कर दें, कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल लिंक जो है वो होना चाहिए। आप उस प्रोफाइल लिंक को शेयर कर दें ताकि हम आपको ग्रेजुएट करने के काबिल हो सकें एटलीस्ट। ठीक है, कुछ लोग डी इनरोल किए हैं इस वजह से क्योंकि उनकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं थी, और जिन लोगों के अब प्रोफाइल लिंक्स नहीं है वो तो वैसे ही जो है वो ग्रेजुएट हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें और इन चीजों को जरा लेके चलें। आदिल साहब का मैसेज आ रहा है, आई थिंक सो कोई अनाउंसमेंट ना हो, मैं उनको जरा देख लूं, अगर कोई अनाउंसमेंट होती है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आदिल साहब, जो GCWUF के स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो प्रोफाइल लिंक्स वाला जो लिंक है जहाँ पे शेयर करना है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्लास के बाद आप लोगों के साथ वो लिंक जो है वो शेयर करता हूँ। जो GCW वाले लोग हैं वो उस लिंक पे जाएंगे, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे लिंक के ऊपर जाके अपना प्रोफाइल दे देंगे। मैंने अभी उनके नाम बोले हैं, जो लोग अभी तक अपना प्रोफाइल लिंक नहीं दे पाए वो उस फॉर्म को फिल करें लाजमी, ताकि हम आपको फिर देन ग्रेजुएट कर पाए। ठीक है, ये जो GCW वाले लोग हैं उनका प्रोफाइल लिंक मेरे पास आ चुका है, मैं उसको कमेंट्स में भी दे रहा हूँ आप लोगों को। ये मैंने कमेंट कर दिया है। GCWUF के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और इस लिंक के थ्रू आप लोग जो है वो अपना फाइवर का प्रोफाइल जो है वो शेयर करेंगे। ये कौन लोग होंगे जिन्होंने अभी तक अपना प्रोफाइल लिंक शेयर नहीं किया? ठीक है, तो ये सारे लोग इस लिंक के ऊपर जाके, जो GCWUF के स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रोफाइल लिंक यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। जो UAF का प्रोफाइल लिंक है, जो या जिस लिंक के ऊपर जाके आपने UAF के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो अपना प्रोफाइल लिंक शेयर करना है वो भी मैं कुछ देर में पोस्ट कर देता हूँ। हंजला साहब को कॉल करते हैं, वो जैसे ही लिंक शेयर करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसको भी, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स जिनके मैंने नाम लिए हैं वो लाजमी फिल करें ताकि ग्रेजुएशन के ऊपर कोई असर जो है वो ना पड़े। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। वीकेंड के ऊपर जो चीज़ें हमने पिछले वीक के अंदर या अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम, उसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। फाइवर को टाइम दें जितना ज़्यादा दे सकते हैं, और ई कॉमर्स साइट्स हैं आपके पास, पोर्टफोलियो साइट है, पोर्टफोलियोज कम अज़ कम खुद आप लोगों के जो है वो अब बन जाने चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है एक न्यूबी फ्रीलांसर के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, जब तक दिखाएंगे नहीं और तब तक आप जो है वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि आप एक फ्रीलांसर हैं या नहीं, और आप एक अथेंटिक फ्रीलांसर हैं। तो पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएं। जैसे अब आप एक ई कॉमर्स साइट बना चुके हैं, आप अमेजोन साइट बना चुके हैं, आप इनके स्क्रीन शॉट्स वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, अपने लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, और अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का एक सेक्शन बनाया जा सकता है, माइग्रेशन का एक सेक्शन बनाया जा सकता है, कस्टमाइजेशन का एक सेक्शन बनाया जा सकता है कि मैं ये सर्विसेज दे सकता हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे सकता हूँ। तो एक अच्छा सा आप लोग जो है वो लेआउट उसका बनाएं। आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने क्लियर करके बता दी हैं कि पोर्टफोलियो वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं, उसको देखें और जितनी जल्दी हो सकता है आप मैदान अमल में आ जाए, ताकि जल्द अज जल्द आप लोग जो है वो अर्निंग कर सकें। ठीक
ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।